हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनाडा लाइव। आज हम इकबाल फूड जा रहे हैं जो कि मिसेस सागा का लार्जेस्ट हलाल स्टोर है। तो रमज़ान आने वाले हैं तो हमने कहा थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए रमज़ान की। आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे सब पाकिस्तानी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग दिस खजला या डिफरेंट मिठाइयाँ पाकिस्तान की। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेंगी यहाँ पर, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो क्या करूँ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं अभी आज की एपिसोड। तो इकबाल फूड्स की फर्स्ट ब्रांच तो ईस्ट यॉर्क में है, सेकंड ब्रांच इन्होंने मिसिसागा में ओपन करी है। ये एरन मिल्स की तरफ है और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे लार्जेस्ट हलाल फूड की टू इसकी ब्रांचेस हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती हैं। हम वीकडे में गए थे रमज़ान की शॉपिंग करने, तो ये प्राइसेस भी आप देखते रहिएगा, हम पीछे में बताता भी रहूँगा आप लोगों को, लेकिन बहुत क्राउडेड था। अच्छा, फ्रूट्स मैंने बड़ी इंप्रूवमेंट देखी है। आई शॉप्ड हियर आई ईयर बैक, यहाँ पे फ्रूट्स बड़े ख़राब थे लेकिन इस दफ़ा काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स थे और कंपेयर टू अदर ग्रोसरी चेन्स ऑलमोस्ट बराबर थे। अगेन ग्रोसरी चेन्स में जो थे हैं कंपटीशन यही रहता है कि कुछ आइटम्स किसी ग्रोसरी चेन में सस्ते होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो वो एट दी एंड ऑफ द डे बिल सबका सेम ही आता है। लेकिन यहाँ पर फ्रूट्स मुझे सबसे अच्छा लगा, फ्रूट्स अच्छे हैं। ये जो करेले जो हैं ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मैंने इतने अच्छे फ्रेश करेले, इतनी फ्रेश पाकिस्तानी वेजिटेबल्स जो ना मैंने कहीं नहीं देखी, तो ये यहाँ पर मिली, काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेजिटेबल पर्सन, लेकिन देखकर अच्छा लग रहा था कि बहुत सारी पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। फ्रूट सेक्शन में ये सारे एप्पल तो यहाँ कैनेडियन एप्पल हैं, ये गाला, ये गोल्ड एप्पल। प्राइसेस अगेन 1.89 थी, 1.69 थी, सो मोर और लेस यही मार्केट में होती है, तो इतना फ़र्क नहीं था प्राइसेस में यहाँ पर फ्रूट्स के मुकाबले में। अगेन पाइन एप्पल है, कोकोनट्स हैं, ये बड़े जनरलाइज आइटम हैं, ये आपको हर ग्रोसरी चेन में मिलेंगे, ये कोई इम्पोर्टेड आइटम नहीं था यहाँ पे। आपको भुट्टे दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मिल जाता है, ये भी सब कैनेडियन आइटम है। कनाडा में बहुत ज़्यादा कॉर्न की क्रॉप होती है तो ये सब कैनेडियन आइटम है। फिर देखें ये आपके ऑरेंजेस आ गए, ये ऑरेंज नेवल खिलाते हैं। ये अगेन कुछ चाइनीज़ होते हैं, कुछ यूएस से आते हैं, मैंडरिन, ये सारे ये सब लोकली ब्रांड है यहाँ पे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन फ्रेश फ्रूट्स थे विच ऑलवेज इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे बड़ी अच्छी आपको एक चीज़ देखा, मैंने कहा वेजिटेबल्स देख रहा था, देखते देखते मैंने कभी वेजिटेबल खाई भी नहीं है, इसको पता नहीं क्या ये मंगूर समथिंग कहते हैं, लेकिन मेड इन फ्रॉम पाकिस्तान थी, तो दैट इज़ अ रियली गुड साइन। कैरेट्स आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश कैरेट है, मतलब आप देखें भिंडी इज़ सो फ्रेश, मैंने पाकिस्तान में इतनी फ्रेश भिंडी नहीं देखी। और ये अगेन ये कौन सी वलूर होती वेजिटेबल इंडिया से आई हुई है मुझे भी नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन भिंडी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी फ्रेश भिंडी यहाँ पर रखी हुई है। अगेन ये सब ये जो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर ये सब कैनेडियन थी, कोई इसमें ऐसा वो नहीं था, लेकिन मिर्चें ये सब मैक्सिको और इधर उधर से आई हुई थी। और ब्रोकली है और ये डिफरेंट आपके हरा धनिया पुदीना हो जाता है। फिर ऑब्वियसली अगर कीनू पाकिस्तानी स्टोर में ना हो तो फिर फ़ायदा किया शॉपिंग करने का, तो यहाँ बड़े मज़ेदार पाकिस्तानी कीनू मिल गए जो बहुत खुश कर देते हैं आपको, बिकॉज़ ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं जो आप मिस करते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर आपके ऑरेंजेस उसमें से एक हैं और दूसरा मैंगो, ये दो चीज़ें आप ज़रूर मिस करते हैं, आप किसी कंट्री में भी रह रहे हो तो आप ज़रूर मिस करते हैं वो, लेकिन ऐसे स्टोर्स पे वो सब चीज़ें मिल जाती हैं विच इज़ ऑलवेज गुड, और इन्हीं की वजह से आप आते हो इन्हीं स्टोर्स पे शॉप करने के लिए। सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी कि ऑरेंजेस अभी तक अवेलेबल थे यहाँ पर। ये रमज़ान अगेन पाकिस्तान को सबको पता है रमज़ान हो और रूह अफज़ा ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रूह अफज़ा यहाँ पे मिल गया। रूह अफज़ा काफ़ी कॉमन यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन रमज़ान जैसे मैंने कहा तैयारी शुरू हो गई तो जामे शीरी भी रखा हुआ था, रूह अफज़ा भी रखा हुआ था, प्राइसेस दोनों की सेम थी, $2.99 यहाँ पे, तो $3 बन गई। तो आप हिसाब लगा लें, 200 का एचिंग कैनेडियन चल रहा है तो 600 रुपये की बॉटल हो गई पाकिस्तान के लिहाज से। बाकी ये खजूरें थी, खजूरों की भी अच्छी वैरायटी थी, अजवा भी थी, दूसरी खजूरें भी थी, तो हमने यहीं से शॉप किया गिफ्ट करने के लिए सबको।
और काफ़ी अच्छी रमज़ान शॉपिंग यहाँ से हम लोग की हुई है। फिर ये डिफरेंट ब्रेड्स आ जाती हैं यहाँ पे, वही रोटियाँ, नान, चान, कुलचा, वट एवर यू कॉल इट। सो ये प्राइसेस लगी हुई है 3.99, 3.99, तो वही $4 की हो गई। पांच नान होते हैं इसमें, तो आप लगा लें पाँच, 1,000 रुपये की हो गई है। ये डिफरेंट बिस्किट्स आ गए हैं पाकिस्तान में, तो सबको पता होंगे ये केक रस्क बिस्किट। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, अगेन ये मोस्टली कैनेडियन ही कंपनीज हैं, या कैनेडियन कंपनीज इंपोर्ट कर रही होती हैं, तो ये KCB ये सब यहीं के ही हैं। तो ये आ गए फिर अपने पाकिस्तानी सुपर बिस्किट, 1.19 का है। अब ये आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कितने का बन जाता है, तकरीबन आई डोंट नो 240 रुपये का डब्बा पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो। देखें ये प्राइस, आई डोंट नो पाकिस्तान में कितनी है, लेकिन यहाँ पे 240 रुपये का डब्बा बन रहा है। बाकी जो है ये इसका मज़ेदार चीज़ एक और आपको दिखाने वाला हूँ, विच इज़ कोकोमो, 549 का। अब इसमें मतलब कितने पैकेट थे, मैंने लिया तो है खजला, आई पर्सनली डोंट लाइक, लेकिन यूनाइटेड किंग का खजला यहाँ रखा हुआ है। वैसे यूनाइटेड किंग की मिठाई भी हमारे यहाँ मिलती है, जब यहाँ पे रमज़ान 27 रमज़ान को ख़त्म होता है, तो मेरी मस्जिद में यूनाइटेड किंग की मिठाई आई हुई होती है डब्बे, वो पता नहीं कैसे आते हैं, लेकिन गुलाब जामुन खा के मज़ा आ जाता है। जब बड़ा फ़ायदा था यहाँ इकबाल फूड्स पे, आपको जो है ना हर चीज़ इन्हें कैटेगराइज करके रखी हुई थी। चिप्स थे तो पाकिस्तानी चिप्स एक तरफ रखे हुए, पान खाने वालों के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ें थी यहाँ पे, पान का सारा सामान मिल जाएगा आपको। और ये क्विज़ का देख ले, मैंने क्विज़ भी मिल गया यहाँ पे, तो हर चीज़ मिल रही थी, हर चीज़ के इन्होंने सेक्शन बना के रखे हुए थे, विच वॉज़ रियली गुड। फिर ये डिफरेंट पिकल्स, अचार आ गए यहाँ पर। मेरे मेरे एक फ्रेंड जो है वो नेशनल फूड्स में होते हैं, बल्कि यहाँ कैनेडा के भी नेशनल फूड्स के लोगों को मैं जानता हूँ, फैमिली को, तो मैंने कहा उनके लिए भी दिखा दूं कि नेशनल फूड्स के जो अचार थे यहाँ पे वो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे। 3.99 का डब्बा है, तो समझ लें 1,200 रुपये का डब्बा हो गया अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तान में। तो मुझे पाकिस्तान की प्राइस नहीं पता, लेकिन देख लें। बाकी ये तूबा कोई ब्रांड है पाकिस्तान का, अगेन उसके भी हैं, मिचल्स के भी हैं, विच वॉज़ रियली गुड टू सी हेयर। फिर शान की चटनियाँ आ गई, ऑब्वियसली शान की चटनियाँ ना हो तो रमज़ान में मज़ा ही नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, और जैसे मैं कि आपसे कहते हैं ना, सेक्शन बना के रखे हुए, तो विच इज़ गुड। फिर ये एवरीडे आ गया, अब लोग कहेंगे कराची में एवरीडे नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे देखें $6 का छोटा पैकेट है, तो ज़बरदस्त है। तो यही मैं कह रहा था, आपको पान का पूरा सामान मिल जाएगा सेक्शन में, छालिया और वॉट एवर जो जो चीज़ें डलती हैं, मुझे पता नहीं है पानी क्या क्या चीज़ें डलती हैं, लेकिन पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ था जहाँ पे आपको पान की चीज़ें मिल जाएंगी। तो मज़ा आता है यहाँ पे आपको शॉप करने के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि सारा सारी चीज़ें इम्पोर्टेड हैं फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया से, तो थोड़ा सा प्रीमियम तो चार्ज करते हैं, लेकिन मज़ा आता है ये सब पे करने में, क्योंकि आपको पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं, और समटाइम्स यू यू वॉन्ट टू ईट दोस। ये इनका फ्रोज़न सेक्शन है, स्वीट सेक्शन यहाँ पे। अब आपको मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, अब आप यहाँ पे देखें रस मलाई, गुलाब जामुन, आपको ये पूरी इंडिया पाकिस्तान की सारा फ्रोज़न आइटम यहाँ मिल जाएगा। आप गाजर का हलवा हो गया, जो भी हलवे आपको खाने हैं सारे हलवे मिल जाएंगे। फिर ये जूसेस तो कैनेडियन होते ही हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ये पराठे नान ये भी अकेन यहीं के ही होते हैं, ये इंडिया इंडिया से ज़्यादातर बन के आते हैं जो पराठे नान होते हैं। बाकी ये डिफरेंट आइसक्रीम्स हो गई आपकी, मसाला डोसा, और ये सारा सामान फ्रोज़न आइटम में रखा होता है। तो आपका वो जैसे मैंने कहा ना, इन्होंने कैटेगराइज करके चीज़ें रखी होती हैं, आपको बड़े आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हलवे खाने वाले शौकीन के लिए हलवा मिल जाएगा, आइसक्रीम वालों को आइसक्रीम मिल जाएगी, पनीर रखी हुई है। फिर ये योगर्ट सेक्शन है, अगेन योगर्ट तो सारे ये कॉमन ही होते हैं। थोड़ा सा योगर्ट मुझे महंगा लगा, 3.49 का लगाया हुआ है, लेकिन हो सकता है प्राइस ऊपर हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे महंगा लगा था योगर्ट। इसी के साथ आपके एग्स आ जाएंगे, एग की भी मैंने वैरायटी दिखा दी आपको। अच्छा, यहाँ एग जो है ना बड़े अजीब किस्म के आपको मिलेंगे, आपको फ्री रन एग कहलाता है, एक ऑर्गेनिक एग कहलाता है। अब फ्री रन क्या होता है, वो बेचारी मुर्गी पूरा दिन केज में बंद रहती है, और उसको शायद एक आध घंटे के लिए निकालते हैं बाहर, लेकिन वो फ्री रन करके उसको पैसे ज़्यादा चार्ज करके बेचते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको। फिर ये आपके क्रीम और डिफरेंट आ जाती है, उसकी प्राइसेस आ गई यहाँ पर। ड्राई फ्रूट्स आ गया, ड्राई फ्रूट्स भी पाकिस्तान से काफ़ी आया हुआ था। ये बादाम चिरगोजे तो नहीं मिले मुझे, लेकिन ये 400 ग्राम का पैकेट है, देखिए 7.99 का 400 ग्राम का पैकेट है पिस्ते का, तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या रेट है, लेकिन ये ज़्यादातर पाकिस्तान से आए हुए थे, अफगानिस्तान से भी आए हुए थे। सारा ड्राई फ्रूट्स में काजू भी थे, बादाम भी थे,
पिस्ते भी थे। मुझे चिलगोजे जैसे मैंने कहा मुझे वो नज़र नहीं आए, लेकिन बाकी तो काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट आए हुए थे यहाँ पर। ये अगेन ऑर्गेनिक आजकल बहुत चल रहा है, यहाँ पे भी इन्होंने छोटा सा ऑर्गेनिक का सेक्शन बनाया हुआ। तो ये ऑर्गेनिक दालें रखी हुई हैं, मूंग की दाल $8 की, ऑलमोस्ट डबल होती है इसकी प्राइस। नॉर्मल अगर आप डाल रहे हैं तो इनकी प्राइसेस डबल होती हैं, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ ये छोटा सा एक Why you सेक्शन guys fighting? जो कि इन्होंने ऑर्गेनिक का बनाया हुआ है। फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इन्होंने सिल्वर स्पून जी ना मिसिसागा में बड़ा कॉमन है, इन्होंने सिल्वर स्पून अंदर खुला हुआ था। तो मुझे अच्छा भी लगा कि लोग जो है जाते वक्त आप यहीं से खाना लेके चले जाएं, क्योंकि जब आप ग्रोसरी करने आते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है आपका, तो अब घर जाके कुकिंग करने का तो किसका दिल नहीं चाहता। तो यहाँ पे उन्होंने सिल्वर स्पून अंदर ही खोला हुआ था, तो आप यहाँ आएँ अपनी ग्रोसरी करें, और ग्रोसरी करने के बाद यहाँ से आप कुछ भी ले लें, बिरयानी ले लें। बिरयानी वैसे हर कोई शौक से खाता है, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सिल्वर स्पून बिरयानी, लेकिन फिर भी मिल जाती है तो इट्स गुड, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंट ऑयल लगे हुए हैं जायका का, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बहुत सारे जो हैं ब्रांड वो कैनेडियन वो हैं ब्रांड्स हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में ही बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हैं। ये ताज़ा का ब्रांड हमारे एक फ्रेंड है उनका है ये ताज़ा, उन्होंने काफ़ी काफ़ी अच्छा ब्रांड बना दिया, तो सारी चीज़ें मिलती हैं ताज़ा की। तो मैं प्रेफर पर्सनली करता हूँ ताज़ा का ब्रांड बाय करने के लिए भी, इट्स रियली गुड। और फिर पाकिस्तान से भी काफ़ी चीज़ें बन के आ रही होती हैं, तो यू ऑलवेज वॉन्ट टू सपोर्ट योर कंट्री। ये कुछ दाल आ गई, दाल के सेक्शन मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। प्राइसेस में कोई इतनी ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वही ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस ही होती हैं जो वहाँ जो मिलती हैं। अभी ज़्यादा मकसद इस वीडियो का ये है कि जो पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तानी जब यहाँ पर आते हैं। तो जब मैं ख़ुद भी यहाँ कनाडा मूव किया था तो एक मैं पूरा बॉक्स शान के डब्बों का बना कर लाया था, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन इट्स अ वन स्टॉप शॉप इकबाल फूड्स, और यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं, यू नेम इट, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा इसकी एक वीडियो बने। तो ये सारे दाल वाल के रेट आ रहे हैं, आप खुद ही देख लें और इसको खुद कन्वर्ट करके देख लेंगे पाकिस्तान के लिहाज से कितने की है। ये आ गया हमारी शाही, देख लें शाही का बॉक्स $60 का, तो 1400 रुपये की हो गई। यहाँ पे तो पता नहीं गोगो और नास पान मसाला और सारे पैकेट पड़े थे, मैं तो हंस रहा था देख के, मैंने कहा यार ये अभी तक चल भी रहे। नास पान मसाले का तो मुझे अब तक याद है वो मुट्ठी में बंद है क्या, तो नास पान मसाला भी मिल गया यहाँ पे। अच्छा शान का पैकेट जो है ना ये बड़ा अच्छा मिल गया था, 2.49 के दे रहे थे, बाहर महंगा मिलता है 3.5 का। तो ये शान हनी मुझे अच्छी प्राइस लगी, तकरीबन $1 ऑफ था इसमें। फिर ये राइस के डिफरेंट पैकेट है, जजा राइस आपको पता है जुने जमशेद का है, मैंने कहा ये तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊँ। $15 का पैकेट था, मैंने पर्सनली ट्राई नहीं करें, लेकिन मैं राइस पाकिस्तान के ही यूज़ करता हूँ। और फिर बड़े जैसे मैंने कहा हर चीज़ मिल जाएगी, देख भी मिल गई, $200 की देख है, छोटी देख थी। लेकिन यार देख इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती नहीं है, क्योंकि आपके चूल्हे इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे आपको ऐसी फ्लैट, जैसे आप देख रहे हैं ना ये रखी हुई है आपके पॉट्स पतीलियाँ रखी हुई हैं, फ्लैट होनी चाहिए। तो आपकी जो देख होती है वो इतनी कामयाब होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लेने का शौक़ है तो ले सकते हैं। ये आ गया इनका हलाल मीट सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन था और बहुत रश था, काफ़ी अच्छे इनके प्राइसेस भी थी। लेकिन वो कहते हैं ना आप हमेशा हमारे दिमाग में ये रहा है कि मीट तो फिर अपने ही बुचर शॉप से लेनी चाहिए, नई जगह से ट्राई नहीं करना चाहिए। तो मेरी अपनी शॉप है पाकिस्तानी शॉप, आप उनसे जो कट करवाना चाहो वो कट करके दे देते हैं आपको, जो स्टेक चाहिए होता है आप एक दिन पहले बता दो वो आपको निकाल के दे देंगे। ये फ्रोज़न आइटम थे, यकीन हलाल सेक्शन था, यहाँ पे आपको नगेट्स मिल जाएंगे, आपको बच्चों के लिए बर्गर के पैटी मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको। ये देखिए सारे इसमें बन कबाब भी मिलते हैं, वैसे यहाँ पे बन कबाब फ्रोज़न आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से, जो ठेले के बन कबाब होते हैं चटनी के साथ, वो मैं बड़ा यूज़ करता हूँ। ये यहाँ पर मज़ा आता है रमज़ान में तो लेकर आके उनको बनाने में, शाम में मज़ा आता है। बाकी चपली कबाब आ गए, ये सब सी कबाब, सो मैंने कहा ना हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जो भी लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं इस वक्त कैनेडा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम की चीज़ें भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, अपने कपड़े रखें और यहाँ आ जाएं, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। फिर वही आगे मैंने कहा आपसे, देखिए शान के पैकेट आ गए, मसालों के पैकेट,
लजीज के पैकेट आ गए थे। मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाऊंगे, देखें शान वान सब मिलता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे शान और नेशनल बड़ा अच्छा कंपटीशन चलता है। मैं भी शान काफ़ी यूज़ करता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा नेशनल की तरफ भी गया हूँ। अभी भी देखें 1.69 का पैकेट है, लेकिन नेशनल अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैसे नेशनल काफ़ी चलने लग गया, काफ़ी टफ टाइम देने लग गया है शान को। लेकिन ये दो ब्रांड तो बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, तो ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी जाएँ आप तो अगर गोरों से भी पूछेंगे ना, तो उनको शान तो एटलीस्ट पता ही होता है, नेशनल भी पता होता है, लेकिन शान तो लाजमी पता होगा उन्हें। इसके अलावा बहुत सारे नए ब्रांड भी आ गए हैं पाकिस्तान के, आई डोंट नो पाकिस्तान में कितना चलते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, एक हबीब ब्रांड है, हांडी ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है पता नहीं, मलका ब्रांड, तूबा ब्रांड, और हबीब ब्रांड। हबीब ब्रांड तो शायद मैंने देखा था, अब याद नहीं मुझे, लेकिन ये ब्रांड भी काफ़ी इन हो गए हैं, इनकी भी प्रेजेंस आ गई है यहाँ पर, और वो ट्राई कर रहे हैं कि शायद इनका मसाला भी अच्छा होता हो। फिर जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो डालडा भी मिल गया है यहाँ पर, देख लें। तो मैंने कहा ना, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, तो फिक्र ना करें। और जब यहाँ पर आ रहे हो तो घर वालों को ही बता के आएँ, क्योंकि जब आप आ रहे हो तो ज़्यादातर पेरेंट्स यही कह रहे होते हैं, बेटा खाना अच्छी तरीके से, सब अच्छा ही खाना, तो उनको आराम से बता के आएँ कि सब चीज़ें मिलती हैं, तो आराम से खा रहे हैं आप, सब मिल जाता है यहाँ पर। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर चीज़ें लेने में, और रश काफ़ी था, लेकिन अगेन मैंने कहूँ कि बहुत अच्छी एक शॉप है, बहुत अच्छा हलाल कलेक्शन है, आपको हर चीज़ हलाल मिल जाएगी, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की लेबल ज़रूरत नहीं है कि ये हलाल है या नहीं है। पर्सनली मैं इन ओनर्स को भी जानता हूँ, इकबाल साहब को भी जानता हूँ, तो काफ़ी अच्छी शॉप है ये, आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करें। मैंने देखा काफ़ी पाकिस्तानी, इवन सम इंडियंस थे, अरबी भी मैंने काफ़ी देखे जो यहाँ से शॉप कर रहे थे, क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड होता है, आपको हर चीज़ हलाल मिल जाएगी यहाँ पर, और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम पाकिस्तान। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान मुबारक। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।